हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान, आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ जो लास्ट दो महीना से सबसे ज्यादा पूछा गया है मेरे से। ओके, तो क्या है वो क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा और ये आपके बहुत काम का ये आंसर होगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है सबसे ज्यादा कि सर जो फ्लाइट का रेट है वो कम कब होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से कब खुलेगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन का मैं आंसर देना ये चाहूंगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप अच्छे से प्लीज सुनना। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये वीडियो 9 अक्टूबर को बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो 9 अक्टूबर से लेके आने वाला जितना भी अक्टूबर होगा, जितना भी डेट होगा, आपको मैं बता दूं कि जितना भी फ्लाइट होगा वो 80,000 से ऊपर होगा, उससे नीचे का कोई भी फ्लाइट नहीं होगा सिवाय टर्की एयरलाइन के। और जितने भी डायरेक्ट फ्लाइट होंगे अक्टूबर के महीने में वो सब 1,00,000 से ज्यादा के होंगे, उससे कम के कोई भी फ्लाइट आपको कुवैत में अक्टूबर के महीने में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर कैपेसिटी खुल जाता है कुवैत एयरपोर्ट का पूरी तरीके से, उसके बाद क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग वहां पे कुवैत के अंदर रुके हुए थे 2 साल 2.5 साल 3 साल से, जो कोरोना की वजह से नहीं आ रहे थे, अपने अपने देश नहीं जा रहे थे, वो अब धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आ चुके हैं अभी अपने अपने देश। तो वो लोग भी जाना चाहेंगे अक्टूबर और नवंबर के महीने में। और साथ ही साथ जो पहले से ही फंसे हुए थे, जो जा नहीं पाए थे कुवैत के अंदर, एंट्री उनको नहीं मिल पाया था या किसी भी रीजन से वो रुके हुए थे अपने देश, वो लोग भी ट्राई करेंगे अक्टूबर और नवंबर के महीने में कुवैत में एंट्री लेने का। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि फुल्ली कैपेसिटी से अगर एयरपोर्ट खुल जाएगा और जो टिकट का प्राइस है वो सडनली कम हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप ये 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और अभी भी 30% से लेके 35% तक कुवैत एयरपोर्ट जो है वो खुला हुआ है, और कुवैत के लिए जो जाने वाला फ्लाइट है उसका जो रेट है वो है 1,00,000 से ज्यादा या 1,00,000 से थोड़ा सा कम। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लाइट का रेट है वो बढ़ता सिर्फ एक ही रीजन से है, वो रीजन ये है कि लेने वाले जो टिकट है वो ज्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिक फ्लाइट का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोविड के वजह से दूसरा कंडीशन ये लागू होता है कि जितने भी एयरलाइन है वो अपने फ्लाइट को लेकर बोलती है कि वो 50% ही फ्लाइट को बुक कर रही है, उससे ज्यादा वो बुक नहीं कर रही है, तो उनके पास ये रीजन दूसरा ये आ जाता है। और इस भी रीजन से जो फ्लाइट का रेट है वो हमेशा हाई रहता है और वो हमेशा ज्यादा रहेगा आने वाले टाइम में भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी फ्लाइट है वो 50% बुक नहीं होता है, वो 100% बुक ही होकर जाता है कुवैत के अंदर। ओके, अभी आपको पता चल गया होगा कि जो फ्लाइट का रेट है वो क्यों बढ़ता है और उसका क्या रीजन है, उसके पीछे आपको ये पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर फुल्ली कैपेसिटी से कुवैत एयरपोर्ट पूरी तरीके से खुल जाता है और बहुत सारे एयरलाइन को अलाउ मिल जाता है कुवैत में एंट्री करने का, तो जो रेट अभी 1,00,000 या 1,00,000 से ज्यादा है उस फ्लाइट का रेट आपको 80,000 या 75,000 रुपया तक जरूर रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं कि अगर फुल्ली कैपेसिटी से कुवैत एयरपोर्ट खोल भी देता है तो सडनली फ्लाइट का जो रेट है वो कम नहीं होगा, तो प्लीज आप इस बात को ध्यान रखें। अब दूसरा आंसर मैं आपको ये बताता हूं कि फ्लाइट का जो रेट है वो कब तक कम हो जाएगा। तो अगर अक्टूबर के महीने में फुल्ली कैपेसिटी से कुवैत एयरपोर्ट खुल जाता है या 80% भी या 70% भी खुल जाता है, तो आपको नवंबर का जो फ्लाइट का रेट होगा वही कम होगा, बाकी कोई भी फ्लाइट अक्टूबर में जो है वो कम नहीं होगा। 80,000 से नीचे कोई भी आपको अक्टूबर में फ्लाइट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नवंबर में जरूर ये कम हो जाएगा अगर 70% या 100% भी कुवैत एयरपोर्ट अगर खुल जाता है तो कम हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि नवंबर में। और मैं आपको बता दूं कि नवंबर में भी जो फ्लाइट का रेट रहेगा वो 40,000 से लेकर 60,000 या 70,000 के बीच में जरूर रहेगा। तो अब आपका जो है आंसर वो मिल गया होगा पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपकी पूरी तरीके से हेल्प किया होगा, आपके मन में जो भी डाउट होगा फ्लाइट को रेट को लेकर कब कम होगा और कब कैपेसिटी खुलेगा कुवैत एयरपोर्ट का, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको टर्की एयरलाइन के बारे में एक प्रॉब्लम बताऊंगा, वो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लोग टिकट लेने के टाइम में क्या गलती कर रहे हैं, वो आपको आने वाले वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे कि जैसे ही वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मैं मिलूंगा फिर से आपसे एक नई अपडेट के साथ। मैं हूं आयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू।